हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल संचारी आर्ट एकेडमी। तो आज की वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप कलर करना सिखाऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्लाइट ब्लू कलर से मैं स्काई का कलर कर लूँगी। सेम प्रोसेस से मैं पूरा स्काई का कलर कर लेती हूँ। तो मैंने पूरा का पोर्शन कलर कर लिया। अब मैं टिश्यू पेपर से इसको अच्छे से रब करती हूँ। तो मैंने पूरा पोर्शन को अच्छे से रब कर लिया। अब मैं इस ट्री को कलर कर लूँगी। तो मैंने इस ट्री को जो पत्ते हैं मैं इस ग्लास मार्किंग पेंसिल से किया है ऐसे करके। अब मैं इसके ऊपर लाइट ग्रीन कलर देती हूँ। अब मैं इसके ऊपर डीप ग्रीन देती हूँ। डीप ग्रीन नीचे की पोर्शन में होगा। और ऊपर का जो पोर्शन है वहाँ पे मैं लेमन येलो यूज करती हूँ। अब मैं सब फिगर का कलर कर लेती हूँ। तो उसके पहले मैं इस ब्राउन कलर से लाइट एंड सेट कर लेती हूँ। हर एक फिगर का मैं लाइट और सेट कर लेती हूँ। उसके बाद ही मैं बाकी का कलर करती हूँ। अब मैं पीच कलर से और फ्लैश टिंट से मैं स्किन का कलर कर लेती हूँ। सेम प्रोसेस से मैं सब फिगर का स्किन का कलर कर लेती हूँ। तो मैंने फिगर का कलर कर लिया। अब मैं ड्रेस का कलर करती हूँ। तो मैं मीडियम येलो से फिगर का कलर ड्रेस का करती हूँ।
अब मैं ब्राउन कलर से जो शैडो है उसको कर लेती हूँ। हाथों से मैं डार्क कर देती हूँ कलर को। इस धोती का कलर करती हूँ। तो इस धोती को कलर करने से पहले मैं इसको बॉर्डर करती हूँ पुशन ब्लू कलर से। अब मैं स्काई ब्लू कलर से थोड़ा थोड़ा जगह में कलर भरती हूँ। अब मैं जो गर्ल है उस गर्ल का ड्रेस का कलर करती हूँ, तो मैं लाइट वायलेट से ड्रेस को करती हूँ। और नीचे की पोर्शन पे मैं ऑरेंज कलर देती हूँ। रेड कलर से मैं ड्रेस का शैडो कर लेती हूँ। और ऊपर की पोर्शन पे मैं वायलेट कलर से बॉर्डर करती हूँ। माथे पे मैं रेड कलर का बैंड कर देती हूँ। अब मैं ड्रेस का कलर करती हूँ। तो ड्रेस की कलर मैं इस लाइट ब्लू से करती हूँ। इसके बाद मैं पुशन ब्लू कलर से लाइट एंड सेट करती हूँ। हाथों से मैं रैप कर देती हूँ। अब मैं इस बैग का कलर रेड कलर से करती हूँ। पैंट पे मैं ग्रे कलर को करती हूँ।
साइड पे मैं ब्लैक से शेड देती हूँ। अब मैं टोपी है, टोपी का कलर भी मैं रेड कलर करती हूँ। टोपी को भी मैं रेड कलर कर देती हूँ। अब मैं बलून का कलर कर लेती हूँ येलो। रेड पिंक स्काई वायलेट डीप येलो ब्लू ग्रीन रेड लाइट ऑरेंज कैरामाइन येलो ऑकर को साइड पे ब्राउन डार्क ब्राउन
हाथों से मैं अच्छे से रब कर देती हूँ। अब मैं ब्लैक कलर से इसको सेट दे देती हूँ। दूर का जो कलर है मैं वो कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं ब्लू कलर देती हूँ। अब मैं येलो कलर देती हूँ। ड्रेस का कलर कर लेती हूँ। तो इसका ड्रेस पे मैं येलो कलर अब मैं ऑरेंज कलर देती हूँ। साड़ी को भी मैं ऑरेंज कलर कर देती हूँ। अब मैं ब्लू कलर यूज करूंगी। पिंक कलर का यूज करती हूँ। मैं वायलेट कलर से यहाँ पे ड्रेस का कलर करती हूँ। स्केलेट कलर
लाइट ब्लू, पिंक, पैंट का कलर ब्राउन कलर, ग्रे कलर, ब्लू, साड़ी पे पिंक कलर, और मैं रेड कलर से इस फ्लैग का कलर कर देती हूँ। अब मैं ब्राउन कलर से इस मंदिर का कलर करती हूँ। डार्क ब्राउन देती हूँ। इसका कलर भी मैं कर देती हूँ डार्क ब्राउन से। फिगर का कलर माथे का कलर ब्लैक, डोर के अंदर का कलर ब्लैक,
मैं डीप ग्रीन से हिस्ट्री का कलर करती हूँ। और ऊपर से लाइट ग्रीन, नीचे पे थोड़ा सा कुशन ब्लू। मैं सेम प्रोसेस से पूरा जगह का जगह पे मैं इस कलर को भर देती हूँ। अब मैं लाइट एंड सेट को कर लेती हूँ हर जगह पे। अब मैं ग्रे कलर से इसका कलर कर देती हूँ। अब मैं नीचे की पोर्शन पे जो लैंड है वो करती हूँ। उसके पहले इस जूते की कलर तो नीचे की पोर्शन पे मैं येलो ऑकर देती हूँ। और थोड़ी थोड़ी जगह पे मैं लाइट ग्रीन कलर को मैं यूज़ करती हूँ। तो मैंने पूरा जगह का कलर कर लिया। अब मैं टिश्यू पेपर से इसको अच्छे से रब कर देती हूँ। मैंने पूरा पोर्शन रब कर लिया। अब मैं थोड़ा थोड़ा जगह पे डार्क ब्राउन से हाईलाइट कर देती हूँ। अब मैं हाथों पे ये स्टिक का कलर कर देती हूँ येलो कलर से। और इस पे इसका कलर येलो कर देती हूँ ग्रे कलर से। इस साउंड सिस्टम का कलर करती हूँ। हाथों से मैं रब कर देती हूँ। माथे का कलर और हेड का कलर करती हूँ।
अब मैं सारे के सारे हेड का कलर कर लेती हूँ। अब मैं शैडो करती हूँ। अब मेरा ड्राइंग बिल्कुल कंप्लीट।